अरे क्या हुआ इमरान भाई, क्या हुआ तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई 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 समझ में आ रहा है, पर हुआ क्या है मेरे को बताओ ना। एक बार सिफाम दवादी तवा पर है। अरे इमरान भाई ये टेम्पो क्यों पलट रहे हो यार? अरे इमरान भाई टेम्पो पलट जाएगा यार। सिफाम दवादी की ताकत है ताकत। अच्छा एक हाथ में उठा दिया एक हाथ में। ओ भाई तो ऐसी कौन सी मच्छी खाने से आया? सिर्फ अहमदाबादी तवा फ्राई पे आने का तो आने का। बताता है तुम्हारे को कैसा मच्छी बनेगा आज, जो शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद। आओ एक बार सिर्फ अहमदाबादी तवा फ्राई पे खाने के लिए। साइज देखो तो देखा ना मेरा ताकत, ये ताकत किससे आता है ना मैं आपको बताता हूँ, किस मच्छी से आता है पता है? लेडीज लोग सावधान हो जाना, जो प्रेग्नेंट औरत है ना तो बिल्कुल खाना मत इसको, बहुत फुल ताकत और फुल गर्म, इसको खतरनाक पीस बोलते बाप। आज हम फुल फ्रेश बाम खाएंगे, इसको बोलते फ्रेशनेस, हम बनाएंगे बाम उसी स्टाइल में। आप बताओ इंडिया इंडोनेशिया चाइना थाई, आज हम लोग इसको बनाएंगे थाईलैंड स्टाइल के अंदर बाम मच्छी, जो दुनिया के अंदर सिर्फ थाईलैंड में मिलता है और या सूरत में गुजरात में मिलेगा, सीपा अहमदाबादी तवा फ्राई में, जो अल्तान कैनल रोड भीम रोड के सामने है। देखो आप कैसे बनाते हैं हम लोग। एकदम गुलाबी लसलसता, क्या बात है गाइस। देखो इसका फ्रेशनेस, इसको बोलते हैं फ्रेश गाइस। अब हम इसको वॉश करेंगे लेमन के साथ में, ताकि इसके अंदर कोई स्मेल ना है। बहुत गर्म मच्छी है गाइस, वो के लाएगा उसके बाद हम बताते हैं इसको कैसे बनाएं। तो गाइस बाम धो के आ चुकी है, फ्रेश एकदम जबरदस्त। अब हम लोग ने बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे उस्ताद थे चिम्पाम फो, तो चिम्पाम फो की गर्लफ्रेंड है जो थाईलैंड में रहती है, उसने मुझे बताया सिंकम फो उसने कैसे बनाया है। हम सीख कर आए और वहाँ से मसाला भी लाए। चिम्पाम फो की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? सुंकिंगो। अब हम बनाने जा रहे हैं, देखो ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, अंदर तक जाएगा और उसके बाद में ये इसको ऐसे डालेंगे। तो ये भी आपको उसी ने सिखाया कैसे डालते हैं? हाँ, इसको हम इससे पहले जैतून के तेल में ऐसे डालेंगे। जैतून का तेल, हाँ, ऑलिव ऑयल बोलते हैं इसे जी। और उसके बाद यही वो मसाला है क्या जो थाईलैंड से भेजा है? हाँ, चिम्पाम फो की गर्लफ्रेंड है सिंकी को उसने भेजा है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन उसका नाम सिंकिंगो ऐसे कुछ है। अब हम लोग ने इसमें इसमें लगा दिया गार्लिक जिंजर की चटनी जो थाईलैंड से आई हुई है, देखिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मसाला। और थाईलैंड की शान, इंडिया की जान, हाँ लेमन जी, फ्रेशनेस देखो इसका। तो गाइस थाई स्टाइल के अंदर हम लोग ने सैंपल पीस रेडी कर दिया है, बराबर है। अब हम लोग इसको बारबेक्यू करेंगे, कैसे करेंगे बताते हैं हमको, आप आ जाइए बारबेक्यू पे। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, थाईलैंड से लेकर आया हो गाइस, सूरत में गुजरात में आपके लिए जो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है थाई स्टाइल के अंदर बाम फिश खाने के लिए आओ एक बार सूरत में। तो इस पे कितना समय लगेगा? मात्र ने मात्र 10 मिनट, बस 10 मिनट का खेल है पूरा। पे फुल लोडेड एकदम फुल ताकत, जो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हम लोग बारबेक्यू के अंदर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा ऊपर थोड़ा डाए थोड़ा बाए, ताकि हर जगह से एकदम जर्रा जर्रा कमल की तरह खिल जाए। हाय 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 क्या बात है, बड़े ही प्यार से चिम्पाम फो की गर्लफ्रेंड ने मुझे ये बताया है।
तो बस इसके बाद सीधे खाना है या और कुछ होगा? अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा अभी शुरुआत है? सिर्फ शुरुआत है। अभी ये बारबेक्यू हो रहा है, हम इसको चेक करेंगे ये अच्छी तरह कैसे पका है क्या नहीं पका। इसको ऐसे डाल के से हल्के से पुश कर, एकदम अंदर से लेके बाहर तक पूरा पक चुका है। हाँ हाय हाय क्या बात है। गाइस अब ये बारबेक्यू हो चुका है, अब हम इसको थोड़ा सा टचअप देने के लिए गार्निशिंग करेंगे जी। और कैसा टेस्ट आता है और कैसी ताकत आती है हम इसको खा के भी बताएंगे। तो गाइस बाम गार्निशिंग होने के बाद में अब तवे के ऊपर थोड़ा सा हमारा जैतून का तेल ऑलिव ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा टचअप देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑयल, ऑनियन, और उसके बाद में हमारा थाईलैंड का जो मसाला है। तो मैडम का क्या नाम था? खुशी कोई। अच्छा उनके नाम से ही आपके चेहरे पे खुशी आ जा रही है भाई। चिमफाम फो की गर्लफ्रेंड ने बताया है ये चिमफाम फो। हाँ 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 गाइस ये मसाला रेडी हो चुका है जी, अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा मसाला। जापान के अंदर 80-80 बरस का आदमी है ना 100-100 किलोमीटर दौड़ता है, उसका रीज़न ये ही है। वो लोग हरी चीज़ बहुत खाते हैं, ये खाने से बहुत पावर आता है और इसके साथ में तो फोर खून लग जाते हैं। फोर खून मतलब समझते हो ना। और थोड़ा थाईलैंड स्टाइल के अंदर तो गाइस हमारी बाम मच्छी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको खा के बताएंगे। और पावर तो ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, फिर से एक बार बताता हूँ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। साइज देखो भाई, मच्छी खाओ और फुल पहलवान बन जाओ। आओ एक बार सीपा अहमदाबादी तवा फ्राई में खाने के लिए, जो अल्थान कैनाल रोड भीमराट के सामने, तिरसंस के सामने, संगनी सर्कल के पीछे। आओ एक बार सीपा अहमदाबादी तवा फ्राई। अगर फिश के अंदर फ्रेशनेस नहीं रही और क्वालिटी में मजा नहीं आया गाइस, तो आने का भाड़ा, पैसा, पेट्रोल का खर्चा सब कुछ तेरा भाई देगा। आप देख सकते हैं थाई स्टाइल में ये बाम पीस बिल्कुल तैयार है। चलिए मैं इसे करता हूँ ट्राई और आपको बताऊँ टेस्ट में कैसा है। बाम पीस सूरत के अंदर पहली बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, तो चलिए दिखाते हैं आपको ये हुआ कैसा है अंदर से। बातें तो हमने आपको दिखा दी बड़ी अच्छी अच्छी और बात करेंगे इसको पकाया कितना बढ़िया गया है। तो ये देखिए आप लोग, एकदम सॉफ्ट, रुई की तरह, गुजराती में कहते हैं ना रवा की तरह, तो भाई बिल्कुल सॉफ्ट बना है ये। और इसे मैं ट्राई कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ टेस्ट में कैसा है। क्या बात है भाई, पीस जो है वो सॉफ्ट तो है ही, साथ में एकदम गर्मा गर्म सर्व किया गया है। बट ये जो मसाला बता रहे हैं ना थाईलैंड वाला, उसका आपको गजब का स्वाद मिलेगा। शायद ही आपने ऐसे मसालों में ऐसी फिश कहीं ट्राई किया हो। तो चलिए आपको बताते हैं इनका लोकेशन, ताकि आप भी आकर के अपनी ताकत बढ़ा सको। वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ।